गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। पीछे से व्हाट्सअप आए जा रहे हैं और मैं अपने कैमरे से शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ घर के बाहर मशीन लगाने। मैंने सोचा कि मैंने और दो चैनल्स खोले हैं अपने, एक तो सिक्स सेंस का खोला है जिसपे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ अपना वर्क, और मैंने उस पर चैलेंज लिया है कि 100 डेज में मैं 100 नए कंटेंट दिखाऊंगी, पब्लिश करूंगी। तो आप लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सिक्स सेंस को, तो कर लीजिएगा। और मैंने एक एनिमल्स का चैनल अपना अलग ही कर दिया है क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ बहुत बड़ी, ये जैसे कि बहुत लोगों को पता भी है, तो वो भी मैंने अलग कर दिया है और उसका नाम मैंने रखा है स्मिता एनिमल लवर। और मैंने अपने इस चैनल को स्मिता त्रिपाठी को स्मिता त्रिपाठी ब्लॉगर बना दिया है कि मैं यहाँ पे सिंपल ब्लॉगिंग करूँगी गाइस, बहुत तामझाम मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और सारी चीज़ें भी करनी होती हैं और घर भी हैंडल करना होता है। तो मैं सिंपल आपको ब्लॉगिंग करूँगी और छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश रहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं जा रही हूँ बाहर मशीन लगाने। ये कबूतरों का दाना और पानी मैं रखती हूँ। यहाँ पे बॉम्बे में जैसे कि पता है आप लोग को, स्पेस की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो मैंने जितना भी हो पाया है, पहले तो मैं बड़े टब में पानी रखा करती थी जिसमें वो खूब नहाते थे, पर यहाँ स्पेस नहीं होता तो इसलिए मैंने इसमें रखा है कि कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा होता है। और उनका दाना पानी है जिसको रोज आकर के वो पीते हैं। गर्मियों में आप लोग भी पानी जरूर रखें इनके लिए। मैंने सुबह सुबह टपरी वाली चाय मंगाई है। बॉम्बे में हम लोग क्या करते हैं, टपरी पे नहीं जा पाते तो टपरी वाली चाय को घर पे मंगा लेते हैं, ये फ़ायदा है सिटी का। तो मैंने कहा आज थोड़ा टपरी वाली चाय का मज़ा लेते। हाँ भाई, एक ही लाइफ है, छोटी छोटी खुशियों में मज़ा लेना चाहिए। ऐसा क्या है कि टपरी वाली चाय नहीं पी सकते? और इसमें है बॉम्बे का, अभी दिखाती हूँ आपको। और भी एक चीज़ है इसमें, मोबाइल रखना है। और उसके पीछे है क्या, बनमस्का है। तो मैं चाय बनमस्के का आनंद बाहर बैठ के लेती हूँ। अभी बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। ये कुछ है मेरे बाहर का नज़ारा, है ना? ये देखिए, ये तो मैंने बहुत थोड़े से प्लांट्स आपको दिखाए हैं। अभी हर कमरे में प्लांट्स रखे हैं, हर कमरे में बालकनी है। और यही मेरा हार्ट है। ये आ गई मैं अपने गेस्ट रूम में, और हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि सब जगह प्लांट्स की भरमार है। यहाँ तक मैंने एक पॉट में घास भी लगा रखी है, धूप लगा रखी है, गणपति जी को चढ़ाती हूँ। और इंचे तो मिल लीजिए भाई जला, इंचे तो मिल लीजिए आप लोग। ये बैठी है मोजुआ के, तो बैठी हो क्या हुआ लारा, क्या हो गया? हाँ छमको बताओ, हम लोग कल कहाँ गए थे? कल हम लोग गए थे कैट हाउस, और कैट को वहाँ जाके हम खेल रहे थे, कैट को देख लेते हो कैची भी मारने की चाहिए। कहते हैं मम्मी को, हम कहते हैं मम्मी को। हाँ गाइस, कल हम लोग गए थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा कैट कैफे है एक, जहाँ पे आप कॉफ़ी पीजिए उसके बाद बिल्लियों को देखिए। तो हम एक घंटा हमने उनके साथ स्पेंड किया, वो किस तरह इंजर्ड है उनकी कहानी सुनी, कैसे एक्सीडेंट से और कैसे क्या कर सकते हैं उनके लिए। और कैट कैफे बहुत बढ़िया काम कर रहा है एनिमल्स को रेस्क्यू करने का और वहाँ पे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने का। आप सोच नहीं सकते, मैं आजकल मेंटल इलनेस में भी का, आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा मेंटल इलनेस से निकलने का तरीका है स्पेंड टाइम विद द एनिमल्स। तो उसके भी कुछ ग्लिम्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी।
अदरवाइज वो वीडियो मैं अपने एनिमल चैनल पे डालूंगी। पहचाना तुम कौन है?